तो सब्सक्राइब कीजिए सुमन की चैनल लाइफस्टाइल को। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। देवी दुर्गे नमस्तस्यै नमो नमः। ओम जयंति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। जय माँ दुर्गे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करण ध्वज मंगलम पुटिकच्छा मंगलायतनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात श्री गुरुदेव नमो नमः। रेसिपी लेके आई हूँ तो चलिए हम लोग दिखाते हैं। मैं आपको सब दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इस फलहार रेसिपी के लिए चार आलू को बॉईल कर लिया है और फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाया है और ये फलहार रेसिपी खाएंगे आप तो आपका पेट भी भर जाएगा फ्रेंड्स। और बहुत ही चटपटा आलू चाट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने चार बॉयल आलू ले लिए हैं। मैंने आलू को पहले ही बॉयल कर लिया था और छील ली हूँ और इसे इस तरीके से मुझे काट लेना है। छोटे छोटे टुकड़ों में आपको काट लेना है। और ये फ्रेंड्स बहुत ही ये आलू चाट बहुत ही यम्मी और टेस्टी बन के तैयार होता है और व्रत में तो इतना मतलब इतना ये टेस्टी बन के तैयार होगा। तो आप लोग प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर व्रत में एक दिन ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही यम्मी बनता है और टेस्टी भी। तो देखिए मैंने दो टमाटर भी काट लिए हैं फ्रेंड्स। अगर आप टमाटर नहीं खाते हैं व्रत में तो उसे स्किप कर दीजिएगा, आलू से ही बनाइएगा। और ये देखिए मैंने यहाँ पे तेल ले लिया हुआ है। आप जो भी तेल खाते हैं व्रत में फास्ट में वो आप ले सकते हैं। ज़्यादातर तो लोग घी ही लेते हैं, घी या मूंगफली का तेल। तो आप जो भी लेते हैं, आप बादाम का तेल, वो जो भी आप लेते हैं आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया हुआ है तेल, तो देखिए। और ये मैंने एक कटोरी मूँगफली ले ली है। मैं इस तेल में मूँगफली को पहले फ्राई कर लूँगी। अगर आपके पास काजू और बादाम है तो आप वो भी डाल सकते हैं, वो एक हेल्दी हो जाएगा आपके लिए, हेल्दी चाट आलू हो जाएगा। तो मेरे पास नहीं था तो मैंने मूंगफली से ही बनाई है। बट फ्रेंड्स आप विश्वास नहीं करेंगे, ये चाट बहुत ही यम्मी बन के तैयार होता है और चाय के साथ इसे आप ले लेंगे आपको दिन भर कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा। और जब भी खाने का मन करेगा तो यही खाने का मन करेगा। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने जीरा ले लिया हुआ है, ये हमारे व्रत का ही जीरा है। और यहाँ काली मिर्च पाउडर मैंने ली हुई है और दो हरी मिर्च ली हुई है। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया हुआ है। रोज़ जो जीरा हम लोग डालते हैं उसे आप यूज़ नहीं करें। और ये हरी मिर्च मैंने, अगर आप लोग व्रत में हरी मिर्च खाते हैं तो ही डालिएगा, नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, जो दो काट के रखे हुए थे मैंने टमाटर उसे डाल दूँगी। और मैं एक और फलहार रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई हूँ जो कि मैंने शिवरात्रि के टाइम किया था, तो उसे भी आप बना सकते हैं, साबू माखा। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। वो भी बहुत ही एक यम्मी और हेल्दी रेसिपी है, फलहार रेसिपी है। तो आप लोग उसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस नवरात्र में। और भी अच्छे अच्छे रेसिपी मैं नवरात्र के लिए आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, शेयर करूंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सेंधा नमक डाल दिया और इसमें सेंधा नमक ही डाला जाता है, लेकिन बहुत से लोग फास्ट में नमक का यूज़ नहीं करते हैं और बहुत से लोग करते हैं। जो अगर आप लोग करते हैं तो ही सेंधा नमक डालिएगा, नहीं करते हैं तो नहीं डालिएगा। बिना नमक के भी आप ये फलहार आलू चाट बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ये कटे हुए आलू जो मैंने काट के रखे थे उन्हें डाल देती हूँ। जब नमक थोड़ा डालने के बाद थोड़ा देर जब टमाटर आपका गलने जैसा हो जाए फिर आप आलू को डाल दीजिए और इन सबको हम एक साथ चला लेंगे और बहुत ही झटपट ये बन के तैयार हो जाएगी। अब मैं अपना काली मिर्च पाउडर जो रखी हूँ उसे डाल देती हूँ और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट से ये बन भी जाता है और जल्दी भी बन जाता है, फास्ट में आपको टाइम भी नहीं लगती है। और वो वाली फलहार रेसिपी जो साबू माखा है उसमें तो गैस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस आप झटपट बना लेंगे। तो उसे भी आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर इसका लिंक डाल दूंगी। और ये देखिए मैंने काली मिर्च डाल दी है, अब मैं उसे भी अच्छा से चला लेती हूँ। तो ये रेसिपी बहुत ही यम्मी लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये फलहार रेसिपी। और ये देखिए मैंने मूँगफली जो फ्राई करके रखी हुई थी उसे भी मैं अब इसमें डाल दूँगी।
ये एक बार आप खा लेंगे फ्रेंड्स तो ये इतना चटपटा बन के तैयार हो गया है कि आपको जब भी भूख लगेगी फास्ट में तो आप इसे ही बना के खाएंगे। बहुत ही यम्मी लगता है, तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें और इसके साथ चाय ज़रूर बना लीजिएगा फ्रेंड। और अगर आप लोग अदरक डालते हैं व्रत में तो वो भी डाल सकते हैं, घिस के डाल लीजिएगा। चलिए हमारा हो गया, अब मैं सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए एक प्लेट ले ली है मैंने और उसमें मैं निकाल के दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए देखने में ही कितना टिमटिम लग रहा है, आप जब इसे खाएंगे तो और भी टिमटिम हो जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे तरफ से सभी को हैप्पी नवरात्रि, हमारे सारे फ्रेंड्स को। तो इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी धनिया पत्ता से, और जो भी आपके पास है उस चीज़ से आप गार्निश कर सकते हैं, जैसे खीरा भी डाल सकते हैं, नारियल है आपके पास तो उसे भी घिस के आप गार्निश कर सकते हैं, या फिर काजू बादाम है तो उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और गार्निशिंग कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। देखिए हमारा ये फलहार रेसिपी कितना यम्मी और कितना टिमटिम और कलरफुल लग रहा है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा हमारे कहने से। तो चलिए पहले मैं इसे खा लूँगी और हमारा पूजा पाठ सब हो चुका है फ्रेंड्स। आप लोग का कैसा रहा नवरात्र ज़रूर बताइए, कैसा रहा पहला दिन। तो देखिए अब मैं खा रही हूँ, पहले आप लोग खा लो फ्रेंड्स फिर मैं खाऊँगी। आप सभी लोग व्रत होंगे मुझे पता है, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और माता रानी सबकी मुराद पूरी करे, जो हमारे वीडियो को देखता है सबकी मुराद पूरी करे, जो नहीं देखता है उनकी भी पूरी करे, जो भी उनके मन में मन्नत हो वो पूरा हो जाए। मैं व्रत के टाइम बोल रही हूँ आप लोग को। तो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई लाइफस्टाइल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।